चलो एक बारी और देख लो। ट्रेन और कार दोनों चल रही हैं। ट्रेन की स्पीड 20% ज़्यादा है कार से। 20% की वैल्यू परसेंटेज में किया था, 1/5 होती है। 20/100 करके जब काटेंगे तो 1/5 आएगी। ट्रेन अगर कार की स्पीड 5 है तो 5 में 1 जुड़ जाएगी, 6। ओके, और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो उसको, करना 5 - 1 = 4। ठीक है, अब ये स्पीड का रेशियो बन गया, 6 इसकी स्पीड है तो कार की स्पीड 5 है। स्पीड को पलट देते हैं तो रेशियो के चैप्टर में किया था हमने, वो टाइम का रेशियो बन जाता है। स्पीड को पलटेंगे, टाइम का रेशियो मतलब ये 6 की स्पीड से चलती है तो 5 मिनट लगाती है, ये 5 की स्पीड से चलती है तो 6 मिनट लगाती है। इनका टाइम का डिफरेंस 1 मिनट हो गया और असल का डिफरेंस उन्होंने दिया है 30 मिनट। 30 मिनट क्या दिया है कि ट्रेन और कार दोनों एक जगह से चल के दूसरी जगह पहुंचती हैं जो कि 180 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही है, ट्रेन भी वहीं से चली, कार भी वहीं से चली, ट्रेन की स्पीड 20% ज़्यादा है तो ट्रेन को जल्दी पहुंचना चाहिए था। तो ट्रेन 30 मिनट का बीच में स्टॉपेज लेती है, स्टेशन के ऊपर रुक जाती है, और रुकने की वजह से उसका क्या हो जाता है, 30 मिनट का टाइम लग जाता है, कार चलती रहती है। अब रेशियो में टाइम में 1 का डिफरेंस है तो असल में उनका टाइम का डिफरेंस 30 मिनट का हो गया, क्योंकि 30 मिनट ट्रेन चलती रहती तो जल्दी पहुंच जाती। अब स्पीड जो है ट्रेन की पूछी है किलोमीटर पर आवर में, 180 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बटा टाइम, तो 180 किलोमीटर हो गया और स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो पिछली बार हमने क्या किया था, इसको कर दिया था लंबा, अब छोटा कर देते हैं। हमारे पास 30 मिनट ट्रेन का टाइम पूछा है, 5 के साथ गुणा करेंगे तो 30 * 5 = 15, 150 मिनट आ गए। 150 मिनट के हम आवर बना लेंगे तो बटा 60 कर देंगे, 150 / 60 मिनट के क्या बन गए, घंटे बन गए। किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है, और जब ये 150 बटा इसके नीचे आएगा 150 / 60 तो ये पलट जाएगा, तो 60 ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 6 0 से 0 काट दी, 3 × 6 3 * 5 = 15 और 5 से कट जाएगा, 5 * 3 = 15, बचे 3 × 5 = 6 = 30, 36 × 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन की आ गई। ओके,